ये नीचे से ऊपर इसलिए आया, कह रहा मेरी मम्मा अकेली लगी हुई है, पता नहीं पापा ने साथ करवाने के लिए, तो मैं आराम कर रहा देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका, मुझे क्या आप सब खैरियत से होंगे। आज हम छत पे आए हैं और सुबह की रूटीन थी, सुबह उठी नमाज़ पढ़ी है, एक्चुअली हमारे घर का पानी भी सही होता है, वो भी मैं 7 बजे के घर से पानी लेकर आती हूँ, फिर बच्चों को नाश्ता बना के दिया, बच्चे स्कूल चलेंगे हैं, तो देख आप सोच सकते हैं कि एक और की कितनी टफ लाइफ होती है। अब उसके बाद मैं छत पे आई हूँ और बिस्तर देखें सारे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, मैंने कहा अब उसको इकट्ठे करके आ जाऊँ, तो मैंने कहा चले साथ साथ आपसे बातचीत करते हैं और साथ साथ ये काम ख़त्म करते हैं, आइए फिर शुरू करते हैं। जी वो सामने तो उनको पहचानते हैं ना आप, कौन है? चलो जी, मैंने अपने कर दिए, आप मैं जरा अपने फ्रेंड को मिलके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई पप्पू भाई ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। और दोस्तों आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, और आज सोचा क्यों ना सुबह की रूटीन आपसे शेयर की जाए। ये देख सकते हैं ये चार पहियाँ पड़ी हैं और बिस्तरे, मैं इकट्ठे करने लगा था तो आपकी भाभी एंट्रो करा रही थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ दुआ सलाम हो जाए, खैर खैरियत पूछ ली जाए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखते हैं, बाद टाइम काफ़ी मिल रहा है, उम्मीद है अल्लाह पाक सब अच्छा कर देगा और जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और सब्सक्राइबर भी तकरीबन 242 चाहिए, यानी कि 2420 चाहिए, इतनी तो मुझे भी इंग्लिश आती है। देख सकते हैं आपकी भाभी बिस्तरे इकट्ठे कर रही है, और मैं भी साथ करवाता हूँ क्योंकि कहीं थक ना जाए ना, फिर आप कहेंगे पप्पू भाई आप हेल्प करवाया करें, आपके कमेंट्स आते हैं, यकीन जाने कभी कभी। हेल्प करवा देता हूँ जब घर में छुट्टी होती है, अभी मैंने रेड़ी लगानी है, अभी सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता मैंने तो कर लिया है, अभी आपकी भाभी ने करना है। ठीक है अब आप अपने फैन को संभाले, अब्दुल्ला की पटाई हो रही है, टन टन यार ये नीचे से ऊपर इसलिए आया, कह रहा मेरी मम्मा अकेली लगी हुई है, पता नहीं पापा ने साफ करवाने के लिए, तो मैं आराम कर रहा हूँ। भाई कहाँ गए, बताएंगे आप भी कहाँ गई है, आप स्कूल गई है, और आपका नाम क्या है, वो पापा कह रहे मुझे नाम बताओ, क्या नाम बताए ना, नाम बताओ अब्दुल्ला बेटा, जिसमा किसने डाला है, अब्दुल्ला कहाँ गया था, पापा गए थे, चीज ले पापा चीज लेके दी है, उधर बताओ पापा को बताओ, वो सामने पापा खड़े हुए ना, वो देखो पीछे, अब्दुल्ला मर्जी का मालिक है, जब उसका दिल करता है ये बात करता है। ओए दो पे
देखो जो आ गई अब जहाँ तो सरहाने पे लेटा तो कह रहा गर्म है ये। तारे गर्दिश में आए होते हैं पहले वो नुकसान हुआ, अब ये था कि रात को जब हम छत पे आए तो बच्चों ने पंखा लगाया तो पंखे की जो तार थी ना उसमें से अचानक से आग निकलना शुरू हो गई, तो फटाफट हमने बंद किया है और फिर हम रेंट पे पंखा लेके आए क्योंकि गर्मी बहुत सा पंखा लगे हुआ है तो नहीं सोया जाता, तो फिर पंखा लेके आए रेंट पे। अब वो भी आपके भाई आज पंखा भी ठीक करवा के लाना है क्योंकि एक दिन करंट ही 150 लगता है। अब आपको हम जो रात हमारे पंखे ने धोखा दिया और खराब हो गया उसकी तार से आग निकली थी वो आपको दिखाते हैं। ये देखे दोस्तों देख सकते हैं ये आग निकली थी जहाँ पे और जो अभी काला हो गया है। मेरा ख्याल अभी मोटर बच गई होगी, सिर्फ तार ही चेंज करवानी पड़ेगी। अभी तो मैकेनिक ही बताएगा, तो कोशिश करेंगे कैसे खोल के खुद पहले चेक करेंगे कि तार का मसला है या मोटर को भी कोई नुकसान पहुंचा है। ये मैकेनिक आ गए हैं अब्दुल्ला मैकेनिक। अब्दुल्ला कहाँ देखो कहाँ से खराब हुआ पंखा दिखाओ। वो है वो नीचे से खराब हुआ, ये देखो ये वाला, पापा को बताओ। हाँ कहाँ से खराब हुआ है? यहाँ से खराब हुआ है। तो आपको ठीक करना आता है? कैसे ठीक करेंगे आप? जी अब्दुल्ला है, आज लाडियों में आया हुआ अजीब से कैसे बोल रहा है, सही नहीं बात कर रहा। चलो काम काफी कराता है। अब्दुल्ला पंखा ठीक हो गया? ये किसका पंखा है अब्दुल्ला? और ये हम रेंट पे लाए थे देख सकते हैं आप, और ये हमारा अपने घर का पंखा है। अब ये ठीक करवाने के लिए देंगे और फिर ये बड़ा वापस कर देंगे। पहले वो ठीक करवाइएगा ना। ये देखें अब आपके पप्पू भाई जो हैं वो चारपाई अंदर रखने लगे हैं क्योंकि ये काम इनका है। वो सामने हमारी चारपाई एक टूटी हुई पड़ी है जो हमने सही नहीं करवाई। चलो अब्दुल्ला बिस्तर अंदर रख के आएगा। चलो शाबाश जल्दी एक तो लेके जाओ, कह रहा और दो। चलो पहले अब्दुल्ला जाता है कि पापा, वो पापा चले गए। चलो जी अब्दुल्ला हार गया। अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? दोनों उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो अब इसने गिर जाना है। ये देखो ये देखो ये अब्दुल्ला जा रहा है। ये देखो शाबाश आस्ता आस्ता जा रहा है ना क्योंकि आंखों के आगे तो वो गद्दी रखी हुई है। ये देखो वो नीचे गिर गया। अब्दुल्ला किधर गया? अब्दुल्ला किधर गया? अब्दुल्ला ओए 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 लो चाप ही उठाने लगा है। ये देखो जी माशाल्लाह उठाओ 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 इसे उठाओ शाबाश। लो बेचारा कमजोर से है उसके। चलो उधर से पकड़ो पकड़ो उठाओ इसे माशाल्लाह। इतना जुल्म ना करे मेरे बेटे पे। वो देखें छोटा सा है उसको बड़ा शोर है काम करने का। चलो इसे अब ऐसे करना है ऐसे ऐसे ऐसे। चलो पापा की जान पाकिस्तान। अब्दुल्ला खान नहीं अब्दुल्ला वो अब वो दूसरी चारपाई उठाने लगा है। देखिए मेरी चारपाई जो है ना थोड़ी सी टूटी हुई है। ये देखिए मैंने साइड पे ना वो लगा के ना कपड़ा वगैरह, तो मैंने कहा चलें गर्मी है गुजारा करते हैं फिर बाद में ना वो सही कर लेंगे। अब्दुल्ला छोड़ दो बेटा। छोड़ो छोड़ो पापा को ले जाने दो अंदर। छोड़ दो बस बस ये तीन ही अंदर काफी है ना। है पंखा अंदर नहीं रखना, इसको नीचे लेके जाना है। वो खराब जो है उसको सही नहीं करवाना। दोस्तों
आज का ब्लॉग आप बहन भाइयों को कैसा लगा, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, अलबत्ता लाइक कम मिलते हैं। एक लाइक कर दिया करें प्लीज़, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के भी। और इंस्टाग्राम आईडी है पप्पू प्रिंस के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसका मैं नीचे शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है दोस्तों। तो आप उस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये कि सुबह का जो काम है हमारा ख़त्म हो गया है, इंस्टाग्राम ने इकट्ठे कर लिए हैं, चारपाई भी रख दी, और देखें काफ़ी धूप आ गई, बहुत बुरा हाल हो रहा है, छत पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, गर्मी काफ़ी और धूप की वजह से आँखें भी नहीं पूरी खुल रही। तो और ये देख सकते हैं ये हमारे घर के साथ शतूत है, और नीचे अनार है। एक दफ़ा पता क्या हुआ दोस्तों, के शतूत लगे हुए थे ऊपर, नीचे अनार था, वो शतूत अनार के ऊपर गिर रहे थे, तो हमारे घर मेहमान है, उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा, उन्होंने कोई नज़र नहीं पड़ी ऊपर शतूत के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये अनार को शतूत लग रहे हैं। और उनकी सादगी पे हमें इतना हंसी आई कि आप बता नहीं सकते। हमने फिर नहीं बताया, उसने कहा ये कैसे, फिर वो काफ़ी वो देखे, आपको दिखाते हैं, ये देखे देख सकते हैं आप, ये अनार है और ऊपर शतूत है। इसके ऊपर जब गिरे थे शतूत काफी, तो ऐसे लग रहा था जैसे अनार के ऊपर शतूत लग रहे हैं, तो बड़ा मजा आया था उनकी बातें सुनकर। फिर बताया कि ऊपर से शतूत गिर रहे हैं, तो आपको फील हो रहा है कि शायद अनार के ऊपर शतूत लगे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को साथ प्रेस कर दें, इससे हमारी वीडियो आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके साथ ही आपका दोस्त आपका भाई पप्पू भाई आपसे इजाज़त चाहता है, अल्लाह सुन दे हवाले, अल्लाह हाफिज़।